नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी स्किन को हम कैसे एकदम चिकनी, बिना दाग की, अगर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, या थोड़ी काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, पिंपल पड़ जाते हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी, हमारे पूर्वज, अधिकतर पहले ये नहीं होता था, ना सीरम होते थे, ना इतनी सारी क्रीमें होती थी, कोची होती थी, ना ही इतना लेडीजें, घरेलू लेडीजें पार्लर जा पाती थी। और आज भी आप देखते हैं कि किसी लड़की की शादी होती है तो वो कितना भी वो पार्लर में मेकअप करे, लेकिन उसको घर का हल्दी वगैरह बेसन जरूर लगाते हैं। तो मैं आपको घरेलू ट्रिक बताती हूँ कि हम घर में उपटन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम घर में उपटन करेंगे तो इससे हमारी स्किन एकदम चिकनी और बहुत ब्राइट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसन चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए, एक चम्मच बेसन, ये देखिए, ये एक चम्मच बेसन है, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। एक चम्मच बेसन लेंगे, इसमें आपके पास जैतून का तेल हो या बादाम रोगन हो या फिर नारियल का तेल हो, आप कुछ भी यूज कर सकते, मिला सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक चम्मच दो तीन से चार ड्रॉप बादाम का तेल मिला रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा नींबू का रस, और इसमें हम मिलाएंगे शहद। नेक्स्ट चीज हम इसमें हनी ऐड करेंगे, तो आप ये यूज करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये हमने इसमें ऐड करा, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, ये देखिए, और इसको हम इसको काफी देर तक फैट करके पेस्ट की तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पेस्ट बन गया, और चेहरे पर हम इसे हल्के हल्के अप्लाई करेंगे। मैंने इसमें हल्दी नहीं मिलाई है, आप चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन यूज कीजिए, बहुत यूजफुल है ये, इस तरीके से। और जो थोड़े अनचाहे बाल वगैरह होते हैं चेहरे पे हमारे, ये वो उससे भी फायदेमंद होता है। तो आप हफ्ते में 2 दिन ट्राई कीजिए, आपकी स्किन आप खुद महसूस करेंगे, एकदम चिकनी रहेगी और ना ही कोई स्पॉट रहेगा, एकदम बेबी स्किन आपकी हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं। इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करने के बाद 5 से 4 मिनट छोड़ दीजिए। हल्के हाथ से मसाज करने के बाद इसको सूखने दीजिए, और जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से छुड़ाइए, फिर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। ये देखिए, मैंने फेस को अपना वॉश किया है और मैंने अभी इस पर कुछ नहीं लगाया है। आप इस पर अपनी जो भी क्रीम लगाना चाहें वो लगा सकती हैं, कोल्ड क्रीम या फिर एलोवेरा जेल, जो आपको सूट करता हो। आप देखेंगे इसका कितना अच्छा रिजल्ट है।